ऐड फोल्डर फ्रॉम डिस्क क्लिक करना है। जिस फोल्डर को भी आप चाहते हैं कि उस फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरी फाइल है या फोल्डर है, उसको पब्लिश एक्सपोर्ट करना करते है। हैं सो दैट कि हमें मैक्सिमम ऑप्शन मिल सके। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज पोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से भी कर सकते हैं या चाहे आप तो, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं कि फाइल सर्वर कैसे क्रिएट करें। सपोज आप किसी फाइल को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं या किसी फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइल सर्वर है जिसको कि आप बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो इजी वे में कैसे इंस्टॉल करें, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, बहुत ही इजी टास्क है और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। इजी वे में आप बहुत इजी वे में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए आपको क्या करना है, आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है। आप सिंपल गूगल पे जाएंगे और डाउनलोड करना है आपको, डाउनलोड HFS सर्वर, ठीक है, HFS सर्वर मतलब HTTP फाइल सर्वर। तो आपको क्लिक करना है इस पर, क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, फिर भी मैं दिखाता हूँ सिंपल आप लोगों को क्या करना है। चलिए डाउनलोड भी हो जाएगा ये, ठीक है। एक छोटी सी फाइल होती है, एक सिंगल exe फाइल, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट क्या करना है, जैसे ये डाउनलोड हो जाए आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। ये फाइल है तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिएगा सो दैट कि कोई भी अगर एंट्री करनी हो तो वो कर सके आपके फाइल सिस्टम में, ठीक है। ये देखिए ओपन हो गया है, ठीक। अभी क्या करना है आप लोगों को, जिस फोल्डर को आपको बाहर पब्लिश करना है उस फोल्डर क्रिएट करेंगे हम। तो सिंपल क्या करना है आपको, आप होम फोल्डर पे आ जाना है यहाँ पे और राइट क्लिक करना, ऐड फोल्डर फ्रॉम डिस्क क्लिक करना है। जिस फोल्डर को भी आप चाहते हैं कि उस फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरी फाइल है या फोल्डर है उसको पब्लिश करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लेना, या अगर नया बनाना चाहते हो तो यहाँ से नया बना लेना, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए इस फाइल को मैं पब्लिश करना चाहता हूँ, जितनी भी इसके अंदर फाइल है फोल्डर है वो कोई भी डाउनलोड कर सके बाहर से। तो जस्ट ओके करना है और यहाँ पे आपको रियल फोल्डर सेलेक्ट करना है, और रियल फोल्डर इज फास्टर गुड फॉर बिग फोल्डर, करेक्ट। तो रियल फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी चलिए हम ओपन करके देखते हैं। तो हमारे लिए ब्राउज़र क्या होगा, ब्राउज़र का ये जो URL है क्या होगा, ये देखिए URL दे रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको भी पता होगा कि HTTP जो पोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट पे वर्क करता है, ठीक है। आप चाहते हैं आपका जो ब्राउज़र है, आप फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, देखिए नॉर्मली तो हर किसी को पता है कि HTTP करके एक्सेस कर लेते हैं, बट आप चाहते हैं इसको किसी और पोर्ट पर एक्सेस कराना तो वो भी कर सकते हैं। चलिए पहले मैं डिफ़ॉल्ट देख लेता हूँ, अपना ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। और देखिए इस तरह से आपका जो जिस जो फोल्डर आपने पब्लिश किया हुआ है इस टाइप से ओपन हो गया आपको। देखिए यहाँ पे कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सिक्योर है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड कर सकता है, करेक्ट। अब कर लेते हैं हम ओके। देखिए लॉगिन का भी ऑप्शन है इसमें, अगर आप लॉगिन यूजर आईडी क्रिएट करते हैं तो यू कैन लॉगिन ऑल्सो। अभी देखेंगे हम कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने 80 पे लॉगिन किया है, एक्सेस किया है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाइल सर्वर है वो किसी और पोर्ट पे काम करे, तो आपको क्या करना है, मेन्यू ऑप्शन में आना है, ऑप्शंस, इसको हम स्विच टू एक्सप्रेस मोड कर देते हैं सो दैट कि हमें मैक्सिमम ऑप्शन मिल सके। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है,
चेंज पोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से भी कर सकते हैं या चाहे आप तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि पोर्ट का ऑप्शन है, पोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ 80 बाई डिफॉल्ट है। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ 18 पे, सॉरी चलिए 999 पे हम चाहते हैं कि मेरा जो फाइल सर्वर है ओपन हो। तो मैं क्या करता हूँ 999 करता हूँ, और आप देखिए 999 लग गया आगे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी ओके करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, ये हिस्ट्री से उठा रहा है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे 999:123, सॉरी दो बार लग गया, ये देखिए, ठीक है। तो आप जो भी चाहे पोर्ट उसमें लगा सकते हैं, करेक्ट। और नेक्स्ट सेटिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यूजर्स का भी ऑप्शन होता है, अगर आप चाहते हैं यूजर क्रिएट करना तो यहाँ पे ऑप्शंस में आके यूजर अकाउंट, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, अभी कोई यूजर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोई यूजर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक यूजर क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है आपको, सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है, और ऐड पे क्लिक करने के बाद यूजर का नाम देना है। मान लीजिए मैं डेमो दे देता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड भी डेमो दे देता हूँ, और करेक्ट। आप चाहें तो ग्रुप भी बना सकते हैं, इसको जस्ट सेलेक्ट कर देंगे तो ये देखिए चेंज हो जाएगा ग्रुप पे एज अ ग्रुप, ठीक है। तो मैं यूज़र रखना चाहता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ यहाँ पे, देखिए ओके। नाउ यू कैन सी हियर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमने दिया था डेमो डेमो, तो आप देख पाएंगे ये देखिए डेमो से लॉगिन हो चुका है। ये कितना इजी है फाइल सर्वर बनाना। और आपको ध्यान रखना है कि ये जब तक आपको फाइल सर्वर चल रहा है ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर आपने बंद कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो बंद हो जाएगा चलना, ठीक है। और दूसरी चीज़ मान लीजिए आपको इसको बंद करना है, आप नहीं चाहते हैं कि इसको क्लोज करूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेनू पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्विच ऑफ क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया स्विच ऑफ का, ठीक है। ओके, तो अब आप अगर ओपन करेंगे अपना फाइल सर्वर तो ये नहीं चलना चाहिए। लेट मी सी, एक दूसरा ब्राउजर खोल लेते हैं, ठीक है, नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको उसको वापस उससे एक्टिव करना है, सर्वर इज करेंटली ऑफ पे क्लिक करेंगे तो चल जाएगा, देख लेते हैं। सॉरी अभी तो वहीं पे है, ओके देखिए, ठीक है, जैसे हमने स्विच ऑन किया ये चल गया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, डेमो डेमो, तो आप कहीं से भी बैठे बैठे आप जस्ट क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए इस फाइल को डाउनलोड करना है तो सिंपल क्लिक कर दीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगी, ये देखिए डाउनलोड हो गई। इसको क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए डाउनलोड हो गई। तो ऐसे आप इजी वे में इसको मैनेज कर सकते हैं, बहुत इजी है। अदरवाइज आपको फाइल सर्वर बनाने के लिए एक सर्वर मशीन चाहिए, एक सर्वर ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए एक सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए फाइल सर्वर। तो अगर अगर वो सब नहीं है आपके पास, इजी वे में ऐसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग कुछ समझ पाए होंगे कि फाइल सर्वर इजी वे में कैसे क्रिएट करें। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, आप इसमें लॉगिन करके क्रिएट करके देख लेना आप लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें,
ठीक है, छोटी छोटी चीज़ है, आप लोग इस पे वर्क करके आप लोग देख लेना, ठीक है। ये देखिए, ऐड आइकॉन, चेंज पोर्ट, डिफॉल्ट स्ट्रिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग वन बाय वन करके इसको देख लेना क्या चीज़ है, सो दैट कि आप लोगों को नॉलेज भी हो जाएगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरी तरह। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपके लोगों की कुछ क्वेरीज है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।